असांजी सकाफ़त आहे, फोक आहे, कुझु अहिड़ियूं असांजी ट्रेडिशन्स हूंदियूं आहिनि, इहो बि असां हुनखे इंक्लूड करे सघूं था हिन में? जी बिल्कुलु, हिन में टैंजिबल इंटैंजिबल ॿई सकाफ़तूं, कल्चर्स, पार्ट ऑफ हेरिटेज, इहे सभु उन जा हिसा आहिनि. पाण शाह साईं जे मथां ॻाल्हि करियूं पिया, हीउ फंक्शन प्रोग्राम शाह साईं जे नाले सां ऐं शाह साईं जी लर्निंग जे मथां, टीचिंग्स जे मथां आहे, त उहो बि इनटैंजिबल सकाफ़त जो हिकिड़ो हिसो आहे जेको न फ़क़ति फ्यूचर जनरेशन खे संभालणु खपे, प्रिज़र्व करणु खपे, उन्हनि खे अॻियां वधाइणु खपे. अच्छा, असांखे पेपर कंज़र्वेशन जी छो ज़रूरत पई? तव्हां हुनखे कीअं, या उहा छा छो ज़रूरी आहे असांजे फ्यूचर ऐं हिस्ट्री जे लाइ? असां अगरि ॿिन्हिनि खे कनेक्ट कयूं, हिस्ट्री, पास्ट ऐं फ्यूचर, त पेपर कंज़र्वेशन या रिटन जेके असांजा ऑब्जेक्ट्स आहिनि उहे छो ज़रूरी आहिनि? छो त तव्हांजो स्पेसिफिक जेको जनरा आहे उहो पेपर कंज़र्वेशन आहे, हिन करे. इहा त ईअं ॻाल्हि थी त अगरि का बिल्डिंग आहे त उहा मुग़लनि जे दौर जी या समा या रोहनि जे दौर जी, त उहा ज़रूरी छो आहे? पाकिस्तान जी हिस्ट्री 50% खां ज़ाइद कागरनि जे मथां आहे, पर अनफॉर्चुनेटली असांजो ध्यानु बिल्डिंग्स ऐं आर्किटेक्चर जे मथां घणो आहे. पेपर जी असां वाहिद हिकिड़ी प्राइवेट लेबॉरेटरी आहियूं पूरे पाकिस्तान में, सिंधी माण्हुनि जी लेबॉरेटरी, जेकी इन कागरनि खे प्रिज़र्व करण जो जंहिं ज़िमो खयों, ऐं उहा पूरे नेशन जी कागरनि जी हिस्ट्री पंहिंजे नमूने सां, पंहिंजे ज़िमे सां, विदाउट एनी फंडिंग एंड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, असीं पंहिंजे नमूने सां उहा करियूं था. त छो जे पंहिंजी हिस्ट्री मेजॉरिटी 50% खां मथे कागरनि जे मथां आहे, जॾहिं खां पार्चमेंट ठहियो, जॾहिं खां पेपर आयो, जॾहिं खां पेपर इस्लामिक दौर में आयो ऐं इस्लामिक दौर जे हवाले सां उहो पेपर अॻियां थियो, पाकिस्तानी इंडिया जी पार्टीशन जे दौर सां पेपर जी तमामु घणी वैल्यू हुई, त उहा सॼी शइ असांजी हिस्ट्री उन जे मथां तमामु घणी मिले थी, प्रॉबेबली उन खां वधीक मिले थी जेतिरी असांखे बिल्डिंग्स ऐं आर्किटेक्चर जे थ्रू मिले थी. बिल्डिंग जे आर्किटेक्चर जा प्लान्स बि कागर ऐं पार्चमेंट जे मथां तव्हांखे मिलनि था, त उनखे प्रिज़र्व करणु हिकिड़ो अहम ज़रूरत आहे अॼु जी. अच्छा मैम, हिन में जेके एक्सपर्टीज़ तव्हांखे खपनि थियूं, उन जा प्रोफेशनल्स तव्हां मतिलबु पाण वटि पाकिस्तान में आहिनि अवेलेबल, या डू वी नीड टू हायर देम फ्रॉम आउटसाइड? न, अनफॉर्चुनेटली पाण वटि पाकिस्तान में इन जा के बि प्रोफेशनल्स अवेलेबल कोन्हनि. तॾहिं मूं प्रेज़ेंटेशन में इहो ॿुधायो त असांखे जॾहिं नीड थी उन पेपर तमामु घणो डिके ऐं ख़राबु पिए थियो, त वी हैड टू गो अब्रॉड फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग. उतां खां पोइ असां पंहिंजे पाण खे आईकॉम ऐं AIC, जेके दुनिया भर जा ॿ वॾा इदारा आहिनि, जेके म्यूज़ियम्स जी ऐं कॉन्ज़र्वेशन जे नमूने सां वॾा मैसिव प्लेटफॉर्म्स आहिनि, उन्हनि सां असां मुनसलिक थियासीं, असां मेंबर्स थियासीं, ऐं उन्हनि जे इंटरनेशनल स्कॉलर्स सां अॼु ताईं असां राब्ते में आहियूं, ताकी असां सिंध में रही करे, पाकिस्तान में रही करे, जिते का नॉलेज, का सेंस, का नो हाउ कोन्हे रिगार्डिंग प्रिज़र्वेशन, असां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में वेही कीअं था फॉलो करे सघूं. अच्छा, लास्ट सवाल तव्हां खां, त जेका इंफॉर्मेशन तव्हां एक्सट्रैक्ट कयो था हिन पेपर प्रिज़र्वेशन जे ज़रिए, हुन में कहिड़ी जेका बिल्कुलु एंशंट तरीन इंफॉर्मेशन तव्हांखे मिली आहे उहा कहिड़ी आहे, ऐं अगरि असां चऊं त अहिड़ो को एंशंट ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट जेको तव्हांखे मिलियो हुजे हींअर ताईं, उहो कहिड़ो आहे? राष्ट्रीय मेमोरियल लाइब्रेरी में सभिनि खां ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट इज़ फ्रॉम 1620. छो जे मूं इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो त इते हिन जनरेशन जी ॻाल्हि न आहे, हीअ चार पंज जनरेशन्स पोयां खां पंहिंजा टपड़ सांढींदियूं, संभालींदियूं अचनि पियूं, जेके अॼुकल्ह जी यंगर जनरेशन में इहो रुझान ऐं इहा सेंस नाहे. हुननि जे लाइ कागर जो टुकड़ो, भले उहो केतिरो ई क़ीमती हिस्टोरिक न हुजे, हू रदी बराबरि सम्झंदा आहिनि, हू उन जी वैल्यू न कंदा आहिनि. हुननि खे इहा ख़बर कान्हे का त हुननि जे वॾनि फोर फादर्स जेके महिनतूं कयूं, प्रॉबेबली उहो उन कागर जे टुकड़ ते हुजनि, जेको उन्हनि खे अॻियां संभालणु खपे. त राष्ट्रीय मेमोरियल लाइब्रेरी में 1620 जो ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट आहे, उन खां बि पुराणा इस्लामिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स जंहिंजी डेट वञी एंड ऑफ 15th century बीहे थी, उहा असां आर्काइव्स कॉन्ज़र्वेशन लेबॉरेटरीज़ में रिस्टोर कया, जेके पंजाब मां आयल हुआ. थैंक्यू सो मच. अच्छा, मुंहिंजो सुवाल हाणे मिस ज़हरा खां आहे, त टैंजिबल ऐं इनटैंजिबल, छो त तव्हां जो डिफरेंट जनरा सां तालुक़ु आहे, तव्हां इको टूरिज़म ते कमु कयो पिया, ऐं उन में तव्हां जेकी मास्टर्स जी जेका डिग्री आहे उहा टूरिज़म सां रिलेटेड आहे, जेका तव्हां लंडन में हासिलु कई आहे. टैंजिबल ऐं इनटैंजिबल हेरिटेज असां छा खे चवंदा, इहो जेकॾहिं असां मुंहिंजे नाज़रीन खे तव्हां ॿुधायो, असांजा जेके ऑडियंस आहिनि,
हिकु त इहा ॻाल्हि ऐं ॿी ॻाल्हि इहा उन्हनि ॿिन्ही इन ॿिन्ही कैटेगरीज़ में असां कीअं विरिहाए सघूं था एडमिशन। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी सिंधी इतनी फ्लुएंट नहीं है, मैं समझ जाती हूँ, लेकिन मैं उर्दू में आपसे पूछ लेता हूँ कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज में क्या फर्क है। फर्क ये है कि टेंजिबल वो चीज़ जिसको आप टच कर सकें, देख सकें, उसको आप कहीं रख सकें, वो है। और इनटेंजिबल वो है जैसे हमारी फोकलोर है, हमारी ओरल हिस्ट्री है, जिसको आप सुनते हैं, आपकी फोक दास्तानें हैं, लेकिन वो कोई मकामात नहीं है, मतलब वो पेपर नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है, उसको हम इनटेंजिबल कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है ना, तो हिस्ट्री सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो कदीमी हो। आप जो रह रहे हैं, आप जो आज यहाँ पर हाजिर हैं, जिसमें हमें ख़वातीन और मर्द दोनों नज़र आ रहे हैं, इसमें यंग लोग भी हैं और ज़ईफ़ लोग भी हैं, ये भी आपका सकाफत ही है जिसको आप जो है लिव्ड एक्सपीरियंस कह रहे हैं। ये आपकी लिव्ड हिस्ट्री है जो अभी आपको शायद उस बारे में इतना अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन आगे जो आपकी आने वाली जनरेशन्स हैं वो इसको समझेंगी कि किस तरह से एक ऐसा भी ज़माना था जब मर्दों और ख़वातीन का अलग अलग गैदरिंग्स होती थी, लेकिन अब वो ज़माना है 21st सेंचुरी का जिसमें एक ही हॉल में दोनों मौजूद थे और उन्होंने इसको सेशन को लिया। और उस वक्त हमारे पास कैमराज इतने एडवांस नहीं थे, अभी आप जो है वो सुन भी सकते हैं, ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, ये भी आपका सकाफत का ही हिस्सा है। तो कल्चर को, सकाफत को अपने से अलग ना समझें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिव्ड एक्सपीरियंस है, आप भी सकाफत ही हैं। हम जो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो हमारी सोच व विचार है, ये भी हमारा सकाफत है, हम ही सकाफत हैं। सकाफत कोई अलग शय या चीज़ नहीं है, वो हम ही हैं, बस उसको समझने का, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये कि इको टूरिज़्म और कल्चरल टूरिज़्म, इस इन दोनों चीज़ों को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगी और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और इन दोनों के जो आप कह लें कि लवाजमात हैं या इनकी जो प्रोविजंस हैं आम पब्लिक के लिए, वो क्या हैं? देखें, ये जो हेरिटेज का जो एक तसव्वुर है ना, ये 1920s के बाद काफ़ी चेंज हुआ है, जब यूनेस्को ने और जो ब्रिटिश कलोनियल सिस्टम था वो ये जानना चाहते थे कि जिन पे हम राज कर रहे हैं ना, ये लोग कौन हैं। तो उन्होंने अपनी समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ्रेंसीशन करना शुरू किया। तो हेरिटेज टूरिज़्म में आपके मकामात, आपका खाना पीना, जिसको हम लोग गेस्ट्रोनॉमी टूरिज़्म के तौर पर समझते हैं, आपकी जो बोली है, जो आपकी फोक दास्तानें हैं, ये सब हेरिटेज में आती हैं। आपके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये सब आपके हेरिटेज टूरिज़्म की एक कैटेगरी है। इको टूरिज़्म में जैसे हमारे पास ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है सखर में, इसके अलावा आपके पास जो ट्राउट मछली है, मछलियों के जो डिफरेंट अकसामे हैं, जो आपके आइबेक्स है, ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपके पास जो मुख्तलिफ जो मच्छी के जो कल्चर है, जिसको हम लोग डेल्टा कल्चर भी कहते हैं, ये आपका इको टूरिज़्म का हिस्सा है। आपका जो मेहरानो है खैरपुर में, जहाँ पे आपके साइबेरिया से माइग्रेट हुए हुए डक्स वगैरह आते हैं, मुख्तलिफ माइग्रेटरी बर्ड्स आपके पास आते हैं सर्दी के मौसम में, ये आपका इको टूरिज़्म में शुमार होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो यहाँ पर ना मुतारिफ किए गए, ना इस पर कभी काम हुआ, तो उस पर काम होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में अभी शुमाली इलाका जात के लोग आके बताते हैं कि सिंध क्या है। मैं ये सवाल पूछती हूँ कि क्या हमारे सिंध के लोगों के पास इतना इल्म या इतना हुनर नहीं है कि वो दुनिया को मुतारिफ करा सके कि सिंध के पास क्या है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम अपने इलाके की ओनरशिप कब लेंगे, हम इसकी मैपिंग कब करेंगे, हम इसके ऊपर बात करना कब शुरू करेंगे, क्योंकि हंटिंग मलाड जो डक है वो चित्राल में समझ लें कि पूरा ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उसकी कंप्लीट हंटिंग की वहाँ पे इजाज़त है। यहाँ पर कुछ इलाकों में हंटिंग होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती। जैसे मेहरानो एक सेफ स्पेस है उनके लिए कि वो आके वहाँ पे अपना सर्दी का मौसम निकालें और फिर वो वापस जो है वो साइबेरिया चले जाएँ। तो क्यों ना हम उनको हंटिंग करने के बजाय हमारी सिंधी मेहमान नवाजी में, क्यों ना हम बर्ड वॉचिंग टूर प्रमोट करें, ताकि हमारी लोकल कम्युनिटी भी एम्पावर हो, लोकल कम्युनिटी के पास भी एक ज़राए माश आए। लेकिन अल्टरनेटिव्स इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर के ममालिक में वो जो जोन्स होती हैं जहाँ पर ये स्पीशी रहती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर ऐसा हमें
नज़र नहीं आता यहाँ पे, जिसकी ज़मीन पर वो उतर है, तो हमें एक लगता है कि बस वो हमारा इलाका है, तो अब ये हमारा जानवर है, अब हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो करें, ये सोच नहीं होनी चाहिए। हम सकाफती तौर पे बहुत मेहमान नवाज हैं, सिर्फ लोगों के साथ नहीं, मुख्तलिफ जो हमारी कायनात में जो बसते हैं जानवर, उनके लिए भी हम मेहमान नवाज हैं। तो ये जब टूरिज्म की बात आती है, जब हंटिंग की बात आती है, तो हमारी मेहमान नवाजी कहाँ चली जाती है, इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा मैम, इसमें दो चीज़ें हैं, हंटिंग मतलब जो हमारे पास एनिमल हैं या बर्ड्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन, और दूसरी चीज़ है हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे बिल्डिंग्स हो गई, इन दोनों की प्रिजर्वेशन के लिए कितना काम पाकिस्तान में हो रहा है, और आप क्या समझते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो रहा है, और कितनी अभी ज़रूरत है? असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि देखें, टूरिज़्म एक तरीका है इनको बचाने का, कि आप इसकी डिमांड जनरेट करें कि ये प्रिजर्व होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हुआ है कि 2010 के बाद जब टूरिज़्म, कल्चर, यूथ प्रोग्राम्स जब सूबाई लेवल पे आ गए, तो उस वक्त प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि शायद ये हुआ है कि सूबाई लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी नहीं हुई कि हम ये जान सकें कि हमने उसको प्रिजर्व कैसे करना है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा अलमिया है। अभी भी अगर आप आर्ट्स काउंसिल से निकले और थोड़ा सा बंस रोड की तरफ जाएं, तो बंस रोड से वे खाने पीने की जगह नहीं है। बंस रोड की एक बहुत पुरानी तारीख है, और आप उसका हाल देखें कि क्या हुआ है। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि बहुत सारे ममालिक ने इनको एज अ एसेट के तौर पर यूज़ किया है कि हम इसको बचाएँ, और साथ ही साथ हम लोकल कम्यूनिटीज़ को भी एम्पावर करें। क्या हमारी सोच में ये चीज़ है? तो ये अनफॉर्चुनेटली इतनी नज़र नहीं आती। लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन और हेल्थ के सामने कल्चर के पास शायद इतना बजट नहीं आता कि वो इन पे काम कर सके। लेकिन जिस तरह से एजुकेशन और हेल्थ अहम है, उसी तरीके से हमारी सकाफती प्रेजर्वेशन भी उतनी ही अहम है, क्योंकि 5000 साल बाद में हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स तो आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन किस चीज़ पर हम फ़ख्र करें, किस चीज़ को हम दिखाएं, किस चीज़ के ऊपर हम फ़ख्र करें कि ये हमारा विरसा है। ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है कराची का, ये हमारी सकाफत नहीं है। शिकारपुर के जो पुराने घर थे वो हमारा सकाफत है। आप खुद जाके शिकारपुर का देखें कि वहाँ पे क्या हाल हुआ है। आप जो गांव में जो आप बसा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट के घर लगाओ, आपके सामने ये कि लास्ट ईयर जब फ्लड्स हुए तो वो हमारे घर और हमारी इमारतें कहाँ चली गईं। तो हमें सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि अब हम ऐसे होटल्स बनाएं, ऐसे घर बनाएं जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हों, जो क्लाइमेट रेजिलियंट हों, जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हमारे क्लाइमेट की वजह से जो हमारे यील्ड इतना नहीं आ रहा क्रॉप्स वगैरह का, तो उसी तरीके से हमारे घरों को भी नुकसान है। हमारा सिंधु दरिया वो नहीं रहा जो पहले था। तो ये भी सोचने की बात है कि क्या हो रहा है, और क्या डेवलपमेंट सही माने में डेवलपमेंट हो भी रही है, या हमें डेवलपमेंट की जो सोच है उसको भी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, जो कि शाह लतीफ़ का भी एक पैगाम है यूथ के लिए। मेरा ख्याल में आपका ख्याल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, हमें ज़्यादा जो काम करना चाहिए वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग पे करना चाहिए, हमें सिंध की बाहर के ममालिक में रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। जिस तरह से पहले भी स्पीकर्स यहाँ पे बता रहे थे कि रूमी के बारे में, शेक्सपियर के बारे में दुनिया जानती है, शाह लतीफ़ के बारे में दुनिया क्यों नहीं जानती? क्योंकि हम दुनिया को नहीं बताते। आप पाकिस्तान को 76 ईयर्स हो गए, सिंध ने कभी भी अपनी नुमाइंदगी नहीं की एज अ कल्चरल डेस्टिनेशन। ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। हमारी जो गैदरिंग्स होती हैं लंदन में, मैं उनमें खुद मैंने शिरकत की है, वहाँ पे सिर्फ हमारे जो ओवरसीज सिंधीज़ हैं वो आते हैं, मैंने बाकी लोगों को कभी भी वहाँ पे आते हुए नहीं देखा। तो मतलब सोच ये है ना कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। पाकिस्तान की जब बाहर रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे लास्ट ईयर दुबई एक्सपो में हुई, तो वहाँ पे ठीक है, ज़रूरी है कि वहाँ पर हम जाके अपने आप को मुतारिफ कराएं, लेकिन क्या वो इनफ है? क्या वो ही बहुत है? क्या हमें और तरीके, जो यूथ है हमारा जो यहाँ पे नौजवान बैठा है, आप टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया आपके हाथों में टक 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 हर वक्त बज रहा होता है, सोचें इस बारे में। इसको आप एक बहुत अच्छे तरीके के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने इलाकों को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बन सकते हैं, अपने इलाकों के बारे में एटलीस्ट
कॉन्वर्जेशन करना तो शुरू करें ऑनलाइन स्पेस में। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों ऑनरेबल स्पीकर से है कि हम ये प्रिजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज, इन दोनों को एज ए करियर कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान में, और इस पर क्या कोई काम हो रहा है गवर्नमेंट से सेक्टर की तरफ से या इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे मिस पारस हैं राशदी फैमिली की तरफ से और आप भी कोई इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज चला रही हैं, तो इसको हम कोई कलेक्टिव पब्लिक करियर के हवाले से क्या कर सकते हैं, इसमें क्या मयज़ हमें ज़रूरत है? मिस पारस पहले। असांजे मुल्क में तव्हांखे ॿुधायोसीं अनफॉर्चुनेटली कॉन्जर्वेशन प्रिजर्वेशन जो को रुझान न आहे। गवर्नमेंट कंहिं नमूने सां हेल्प करण जे लाइ उहा सेंस उन्हनि में न आहे जंहिं लेवल ते इंटरनेशनल कमु थिए थो। इन नमूने सां असीं इलाही पोइते आहियूं। अगरि तीअं दुनिया भर जी प्रैक्टिसिस ऐं स्किल्स खे ॾिसंदो त असीं इलाही पोइते आहियूं। छा करणु खपे यूनिवर्सिटी लेवल ते? लाइब्रेरी साइंसिस, आर्कियोलॉजी, छो जो कॉन्जर्वेशन ॿाहिरि जी दुनिया में हिकिड़ो अप्लाइड साइंसिस आहिनि, इनखे अप्लाइड साइंसिस जे तौर ते चयो वञे थो। उन में थ्योरी बि अचे थी, उन में प्रैक्टिस जी तमामु घणी स्किल जी इनहेंसमेंट अचे थी। उहा असांखे पंहिंजी यूनिवर्सिटी लेवल ते शुरू करणु खपे, स्पेशली फॉर प्रोग्राम्स ऑफ लाइब्रेरी साइंसिस, आर्कियोलॉजी, आर्ट्स, कॉन्जर्वेशन जो अलॻि सां बि रखी सघिजे थो। उन खां अलावा स्किल इनहेंसमेंट, उन खां अलावा जेके जेके असांजी गवर्नमेंट बॉडीज़ ऐं आर्काइव्स जी हैंडलिंग कनि था उन्हनि जी स्किल इनहेंसमेंट ऐं कॉन्जर्वेशन लेबॉरेटरीज़ जी जेके हैंडल कनि था गवर्नमेंट में या जेके बिल्डिंग्स ऐं आर्किटेक्चर खे ॾिसनि था उन्हनि जी स्किल्स ऐं ट्रेनिंग ते तमामु घणो ध्यानु ॾियणु खपे। अच्छा, सेम सवाल में ज़हरा से बि आप बताएं कि एज़ अ करियर हम इसको कैसे ले सकते हैं? कल्चरल हेरिटेज में बहुत सारे करियर्स जो आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़ियम क्यूरेटर्स के तौर पे उभरते हैं, कुछ लोग डिजिटाइजेशन के हवाले से काफ़ी काम करते हैं कि हमने जो हमारा आर्टिफैक्ट है उसको हमें डिजिटाइज़ कैसे करना है। आपका टूर ऑपरेटर से लेके टूर गाइड, आर्कियोलॉजिस्ट से लेके म्यूज़ियम एक्सपर्ट, म्यूज़ियम क्यूरेटर, आर्ट एग्ज़िबिटर, इस तरह के मुख्तलिफ़ शोबे हैं जो दुनिया भर में चले आ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। मेरे ख़्याल से इसमें सिंध में ख़ासकर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हुंजा आपके सामने एक बहुत मिसाली जगह है। हुंजा में पहले से इतनी तरक्की नहीं थी जितना आपको शायद लगता होगा। पिछले 20-30 साल में जो काम हुआ है वो वहाँ पे हुआ है, पर आप देखें कि वहाँ पे ना सिर्फ सकाफत को के तौर पे वहाँ पे नई जॉब्स क्रिएट हुई, लोग एम्पावर हुए, मईशत के हवाले से काफ़ी वहाँ पर बेहतरी आई और वहाँ पर लोग अपने इलाके को ओन करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती। म्यूज़ियम हम जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कोई बोरिंग सी जगह होगी जहाँ पे हम जाके बोर हो जाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि ये बोरिंग है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, अपने स्टेटमेंट को रीफ्रेस करें कि अगर जैसे कि एक पर्चा है हमारा जो कि 400 साल पुराना है, मेरा आर्टिफैक्ट है, ये आपके घरों में भी हो सकता है, आपके दादा या दादी या नानी के पास हो सकता है कोई होगा, आपकी जो ओरल हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, अगर आपके पास ऐसा कोई रिसोर्स है तो आप डेफिनेटली अदी पारस के साथ कांटेक्ट करके उस लेबोरेटरी में आप सबमिट कराएं। क्वेश्चन टू यू मिस पारस, के अड़ो कोई मैन्युस्क्रिप्ट या अड़ो कोई हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट जो जिनके प्रिजर्वेशन की ज़रूरत आ असानी पब्लिक वट आ है तो वो किए ता एक्सेस कन ए उन ला छा ता के केड़ा एवेन्यूज आ जिन एक्सेस कर सके? जी, असानी वेबसाइट्स पर आहन, असानी सोशल मीडिया हैंडल्स अन, आर्काइव्स कॉन्जर्वेशन लेबॉरेटरीज के हवाले से जिन जिन माण्हुनि में फैमिलीज़ में सोच समझ आहे जेके पंहिंजे वॻनि जूं लेगेसीज़ प्रिज़र्व कनि था उहे असां वटि अचनि था ऐं असांखे पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स ॾियनि था। असीं काफ़ी छो जे ॿाहिरि जी दुनिया में इहो एॾो टेक्निकल कमु तमामु घणो एक्सपेंसिव आहे, पर छो जे असांखे उहो शऊर ऐं उहो रुझान पैदा करिणो आहे यंगर जनरेशन लाइ त प्रिज़र्वेशन केतिरी इंपॉर्टेंट आहे, इन करे असां हुननि खे डिफरेंट नमूने सां गाइड कंदा आहियूं ऐं प्रिज़र्व बि कंदा आहियूं। मज़ीद उन जी प्रिज़र्वेशन वधाइण जे लाइ उन्हनि खे घर में कहिड़े नमूने सां स्टोर करियो उन में बि असां उन्हनि खे तमामु घणो गाइड कंदा आहियूं। उन जे हवाले सां तव्हांजी हिकिड़ी ॿी ऐं कंटिन्यूटी करे इन ॻाल्हि में त फ़क़ति असांजी फील्ड ऑफ प्रिज़र्वेशन में जीअं ज़हरा चयो तमामु घणियूं माइनर फील्ड्स घुरनि थियूं जेके अॻियां वञी मेजर जॉब स्किल्स जे हवाले सां उहो नुमाया थियनि थियूं। उन में रिसर्च स्पेशलिस्ट आहिनि, उन में कलेक्शन्स केयर स्टाफ आहिनि, उन में प्रिवेंटिव प्रिज़र्वेशनिस्ट आहिनि, उन में रेस्टोरर्स आहिनि, उन में डिजिटलाइज़र्स आहिनि,
बाहर जी दुनिया में फकत यूके में ही जी उनन जी ब्रिटिश लाइब्रेरी जी कंजर्वेशन सेंटर आए जो कम ओई आए जो असा कम करूं था जिते असा जा चार मानू वे कम कन था उनन वट 20 जणन जो स्टाफ आए जो सागो कम कन था पर ओई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जी डिफरेंट कैटेगरीज ते इन में तमाम घणी जॉब एनहांसमेंट्स सन तमाम घणी फील्ड्स अग्या वनी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन में खुलन थियो आई दुनिया में मौजूद आइन जेके पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना है ओके इनके एज अ डिग्री प्रोग्राम भी का यूनिवर्सिटी जेको ऑफर करे थी भी कंजर्वेशन स्पेसिफिकली कंजर्वेशन ए पेपर कंजर्वेशन या ना न पाकिस्तान में का भी हिन वक्त पेपर कंजर्वेशन हालांकि इंडिया ए ईरान अनफॉर्चुनेटली असन जो नेबरिंग कंट्रीज हन पर असा खा बई कंट्रीज तमाम अग्या हन इंडिया में सालन सदन खा थिए पियो ऐं तमामु वसीतर उन्हनि जूं लेबोरेटरीज़ आहिनि प्राइवेट ऐं पब्लिक बोथ एज़ फार एज़ ईरान इज़ कंसर्न्ड ईरान में 1960s खां पेपर प्रिजर्वेशन ऐं रेस्टोरेशन जो कमु थिए थो असां वटि हिकिड़ी बि लेबोरेटरी न आहे जेको इहो कमु इन लेवल ते करे सघे इन जे करे आर्काइव डिपार्टमेंट जेको कल्चर डिपार्टमेंट सां रिलेटेड आहे आर्काइव्स एंटिक्विटी तव्हांखे लॻे थो उहो उन स्टैंडर्ड ते कम न पियो करे उन्हनि वटि फैसिलिटीज़ असां खां तमामु घणियूं आहिनि पर अनफॉर्चुनेटली छो जे लैक ऑफ नॉलेज आहे छो जे इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोन्हे छो जे असां वटि रिसर्च जो हिकिड़ो जज़्बो न आहे जॾहिं बि को कागर जो टुकड़ो तव्हां वटि हिस्टोरिक अचे थो त असीं पहिरीं उन्हनि खे इहो ई चवंदा आहियूं त न असां हिन जे मथां रिसर्च कंदासीं असां वेरीफाई कंदासीं त इन में इंक कहिड़े नमूने सां इस्तेमालु थी आहे कहिड़ी सदी जी इंक इस्तेमालु थी आहे छा इंक में मेटल जो टुकड़ो आहे जंहिं पेपर खे ज़ाया कयो आहे पेपर जे अंदरि पल्प कहिड़े नमूने सां आहे हिते एॾी घणी रिसर्च जो कमु नथो कयो वञे जो जेको असां आर्काइव्स कंजर्वेशन लेबोरेटरी जो पहिरियों स्टेप आहे रिसर्च उन में असांखे कंसॉलिडेट करे रिसर्च करणी आहे छो जे जॾहिं ताईं रिसर्च न कंदा त तव्हां कंहिं बि प्रिजर्वेशन जे कंहिं बि आर्टिफैक्ट जे मथां एॾी महिनत न करे सघंदा इहो इहो ई आहे जीअं तव्हां बिल्डिंग रिस्टोर कई ऐं तव्हांखे ख़बर कान्हे का त उहो लाइम या चिरोली सां थियल आहे ऐं तव्हां उन जे मथां सीमेंट ऐं प्लास्टर जा लेपा हणी छॾिया त उन जी रेस्टोरेशन उहा घणो अरसो ताईं न रही सघंदी पेपर जूं डायनेमिक्स बि कॉम्प्लेक्स आहिनि ऐं ईअं ई आहिनि त उहा एॾी लेवल ताईं उन जी एक्सपर्टीज़ न आहे अंडर ट्रेन स्टाफ आहिनि असां वटि म्यूज़ियम्स में जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त यूके में जेकी कंजर्वेशन लेबोरेटरी आहे उन में 20 ॼणा हिकु डिपार्टमेंट में या ॿिनि टिनि डिपार्टमेंट्स में कमु कनि था असां 4-5 डिपार्टमेंट्स 5-6 मायूं हलायूं था ऐं असां हिकु ॿिए जो कमु कंदा रहंदा आहियूं छो जो असीं शॉर्ट स्टाफ हूंदा आहियूं सेम इज़ द केस विथ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उते वरी लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ अचे थी वेती है अंडर ट्रेन स्टाफ अची थो वञे नॉलेज नाहे स्टोरेज कहिड़े नमूने सां कजे प्रिवेंटिव प्रिजर्वेशन ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल्स कहिड़े नमूने सां हुजणु घुरिजनि वेंटिलेशन्स कहिड़े नमूने सां हुजणु घुरिजनि इहो ताईं नाहे उन्हनि खे ख़बर त फ्यूमिगेशन जॾहिं लाइब्रेरी मटीरियल खे कीड़ा खाइनि था त उन्हनि खे हार्ड केमिकल सां फ्यूमिगेशन नाहे करणी हूंदी इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर गैसिस यूज़ थियनि था जंहिंसां फ्यूमिगेट थिए थो ऐं कीड़े जी उन पूरी साइकिल खे ख़तमु कजे थो हिते हार्ड केमिकल्स इस्तेमालु करे लाइब्रेरी मटीरियल्स खे वधीक नुक़सानदेह पहुचाइनि था छो छो जे पेपर हाइग्रोस्कोपिक आहे पेपर इन्वायरमेंट मां ह्यूमिडिटी ऐं मॉइस्चर जज़्ब करे थो उन जी ओतिरी रखवाली करणी पवे थी जेकी इंसान जे जिस्म जी जीअं इंसानु रखवाली करे थो थैंक यू मिस पारस इहो ई सवाल मिस ज़हरा तव्हां खां बि आहे त इको टूरिज़म ऐं कल्चरल टूरिज़म पाकिस्तान में एज़ अ कैरियर तव्हां कीअं था ॾिसो ऐं इन खां पोइ असां हिन खे कंक्लूड कंदासीं विद योर लास्ट नोट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे वाज़े करना चाहती हूँ वो ये कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको भी अगर आप कभी पढ़ें तो उसमें कल्चर भी है एंटिक्विटीज़ भी है टूरिज़म भी है यूथ अफेयर्स हैं ये बहुत सारी चीज़ें आई थिंक हमने क्लब कर दी हैं तो वो क्लब करने से मसला ये हुआ है कि हर इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जो बारीकियाँ हैं ना वो हम स्किप कर देते हैं यूथ एक अलग डिपार्टमेंट है एंटिक्विटीज़ एक अलग है टूरिज़म एक अलग चीज़ है और कल्चर एक अलग चीज़ है इनके बीच में ये आपस में ओवरलैप करती हैं फॉर श्योर लेकिन इनकी अपनी बारीकियाँ हैं तो जो आपकी बात है हेरिटेज और इकोलॉजिकल टूरिज़म की देखिए स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी देखें तो बहुत प्रॉमिसिंग ज्योग्राफी है यहाँ पर आपके पास मीठे पानी से लेकर खारा पानी आपके पास हेरिटेज से लेकर कल्चर तक आपके पास तमाम चीज़ें हैं मतलब ये ऐसा मुल्क है जिसमें आपके पास तमाम तरीके हैं यहाँ के सकाफत को प्रमोट करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि ना तो यहाँ पे शऊर है गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे इतना ज़्यादा अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें उभरता हुआ नज़र आ रहा है
इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंदारन वैली गंदारन सिविलाइजेशन में केपी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. तो वही बात है कि सूबाई लेवल पे कुछ सूबे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ सूबे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं. तो इसमें सवाल ये है कि इनको आपस में कैसे जोड़ा जाए. जहाँ तक करियर की बात है, देखिए करियर में आप पॉलिसी मेकर भी बन सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप इस पर भी स्टडी कर सकते हैं कि जो कुदरती आफात आ रही हैं, जिस तरह से मोहनजोदड़ो को लास्ट ईयर इतना नुकसान हुआ, तो हम ऐसे जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसको दुनिया सराहती है, उसको हम कैसे बचाएं? क्योंकि कुदरती आफात तो पूरी दुनिया में आ रही हैं, तो वो पाकिस्तान में भी आएंगी. पाकिस्तान 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज पे. तो हमें जो करंट ट्रेंड्स हैं, जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, उसके लिए भी हमें पॉलिसी मेकिंग की प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को उस पर आवाज़ उठानी होगी. और इसमें डिपेंड करता है कि लोग क्या चाहते हैं. और जहाँ तक डिग्रीज़ की बात है, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे पास बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कल्चरल हेरिटेज टूरिज़्म या इकोलॉजिकल टूरिज़्म या गैस्ट्रोनॉमिकल टूरिज़्म पे या इंडस्ट्रियल टूरिज़्म पे काम कर रही हैं. इसी बात को जेनेरिक डिग्रीज़ हैं. कंक्लूड करते हैं यहाँ पे तव्हां जी नी ॻाल्हि सां. असां पब्लिक खे, गवर्नमेंट खे ऐं सभिनी अथॉरिटीज़ खे इहो मैसेज ॾींदासीं त सकाफ़ती विरसो ई कंहिं बि क़ौम जी सुञाण हूंदो आहे. उन जे लाइ असांखे एज़ अ ट्राइका, एज़ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एज़ अ इंडिविजुअल ऐं एज़ अ पब्लिक, असां सभिनि खे कमु करिणो पवंदो. तॾहिं ई असां हिन खे बचाए सघंदासीं, छो त सकाफ़त ई असांजी सुञाण आहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द स्पीकर्स.